25,000 रुपए देकर गरीब सहरिया से करवाता रहा दीपक जाट नामक व्यक्ति हरवाई। बीमार बच्चे के लिए पैसे मांगे तो कर दी मारपीट, इलाज के अभाव में हुई बच्चे की मौत। फरियादी पहुंचा कैंट थाने, न्याय के लिए पत्नी सहित लेट गया सड़क पर। इस मामले में प्रशासन हुआ सक्रिय, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। इस मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल पुलिस पार्टी को रिछहरा गांव रवाना किया गया। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाकर उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की जाए। इसके साथ ही आरोपियों के विरुद्ध बंधुआ मजदूरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि पीड़ित आदिवासी परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था भी जिला प्रशासन करेगा। कहाँ पे रहते हो? खेराई रहता था और रिछहरा काम कर रहा था। रिछहरा किसके पास काम करते थे? दीपक के पास। किस जाति है वो? बेजात है। तो क्या 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 हुआ है? हुआ क्या है? साहब हमने पैसे मांगे इलाज के लिए, उन्होंने मारपीट हमारे साथ में करी, पैसे नहीं दिए। अब इलाज के लिए स्थिति में आपने अपने बच्चे को कब भर्ती किया था? नहीं, अब आज ही आया था। तो क्या आई है जो खदमी ले गए, जो भी खदमारी था। आप उनके पास काम कब से कर रहे थे? 5 साल हो गए। 5 साल से पैसे मिल रहे थे आप? नहीं मिल रहे थे। कितने पैसे बकाया है? सिर्फ 1 साल में 25,000 लिए थे शुरुआत में, और 5 साल काम करते हुए गए और मुझे 1 रुपये नहीं दिया। अभी तक आपके कितने पैसे हुए? 25,000 लिए थे भाई। नहीं अभी और हरवाई और नहीं लिए ना, देते थे जब इलाज के लिए पैसे नहीं दिए। तो क्या है, पति पत्नी दोनों काम करते थे? दोनों करते थे साहब। खेरा ही रहते हो, रिछराम काम करते? हाँ। तो आप पत्नी जी, क्या नाम है पत्नी का? पिस्ता भाई। और बच्चे का नाम क्या आपके? बच्चे का नाम देशराम। कितने बच्चे हैं आप? 4 हैं साहब, मेरे 3 बच्चे और बीमार डरे हुए। तबीयत कब से खराब थी बच्चे? 15 दिन हो गए थे साहब। मैंने पैसे मांगे तो मुझे पैसे नहीं दिए। आप बताओ, मैंने रिपोर्ट भी करी साहब, तो रिपोर्ट में मेरे कुछ कोई ना कार्रवाई कुछ नहीं सुनी। रिपोर्ट कब की थी आप? कल लिखी थी, परसों की। हाँ कल साहब जी रहे। आज आप बॉडी लेके थाने, कैंट थाने पहुँचे थे? हाँ अभी हाल पहुँचे थे साहब। फिर क्या बोला उन्होंने? उनने फिर भी भगा दिया, मिला लगा के सुबह ही भगा दिए साहब। मैंने उनसे पुलिस वाले से जब बोली थी साहब कि मेरा बच्चा ज़्यादा ही सीरियस है, मुझे वहाँ तक मेरे बच्चे ने मंगवा साहब, मुझे ललकार के भगा दिया और गाली दे के भगा दिया साहब। आप बताइए फिर कहाँ जाऊँ? आप किस जाति से हैं? मैं सहरिया हूँ साहब। हॉस्पिटल में बच्चे को कितने बजे लेके आए थे? 2:30 बजे आए थे। तो आप बेबी तक के आए थे साहब? इलाज हुआ है हॉस्पिटल में? नहीं हुआ। जब आप 2:30 बजे हॉस्पिटल लेके आए, जब बच्चा सही सो रहे, सही था ना? नहीं था, बीमार था। मैंने इस कारण रिपोर्ट डाली थी साहब मेरे पास। बच्चे की मौत कब हुई है? 2:30 बजे। आप बच्चे को? मैं तो साहब मेरे पास तो आदमी लगा दी थी उसने मारने के लिए, तो मैं डराने के मारे नहीं आया था। मुझे अभी खबर पूछी तो अभी मुझे लेके आया था। पहलवान आदिवासी नाम के एक व्यक्ति के पुत्र के बीमार होने की खबर आई थी और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही सूचना मिली, मैं और पुलिस अधीक्षक यहाँ जिला अस्पताल गुना पहुंचे। यहाँ उस व्यक्ति ने बताया कि उसे रिछेरा गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा परेशान किया गया है, मारपीट की गई है और प्रथम दृष्टया लगता है कि बंधुआ मजदूरी का भी मामला है। तत्काल संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ रासुका लगाने की कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति, जो व्यक्ति है पहलवान आदिवासी, उसके पुनर्वास की और उसके कल्याण की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन लेगा और उसको समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और उसको पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वस्त किया गया है कि सारे आरोपियों की तत्काल आज ही गिरफ्तारी होगी और कठिन से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।